हे गाइस, आई एम कल्याणी एंड यू वाचिंग जी ब्यूटी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग एक फेस स्क्रब और एक फेस मास्क, जिसकी सहायता से आप बहुत ही अमेजिंग और फ्लॉलेस स्किन पा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट स्टेप को फॉलो करूंगी। उसके लिए मैं मसूर की दाल लूंगी और ये एक बहुत ही अच्छा स्क्रबर है, और इसमें ऐड करूंगी दही और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक बहुत ही पावरफुल अमेजिंग सा स्क्रब बना लूंगी। इसे मैं अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई सर्कुलर मोशन में करूंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से 5 to 10 मिनट्स इसे स्क्रब करके सारे जितने भी डेड स्किन सेल्स है उसे निकाल दूंगी। मैंने इसमें मसूर का दाल ऐड किया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा एक स्क्रबिंग एक्सफोलिएटर है। ये आपके डेड स्किन सेल्स को बहुत ही अच्छे से हील कर देता है, और इसमें मैंने कर्ड ऐड किया हुआ है जो कि खुद में ही एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है जो आपके फेस पे बहुत ही अच्छा सा एक लाइट और ग्लो लाता है। और मैं इसे अपने फेस पर अच्छे तरीके से ऐड करूंगी पूरी तरह से। 5 मिनट में बहुत अच्छे से इसे अपने फेस पर स्क्रब करूंगी जिस तरह से मैंने किया हुआ है। और उसके बाद आप एक ही स्टेप उसके बाद आप अपने फेस में रिजल्ट देख सकते हैं। अब मैं अपना दूसरा स्टेप एक पैक फेशियल पैक बनाऊंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर। रोज़ वाटर और मुल्तानी मिट्टी को मैं ऐड करके अच्छी तरीके से अपने फेस पर लगाऊंगी फेशियल पैक में। मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड किया हुआ है जो कि एक बहुत ही अच्छा डेट क्लिंजर है, और इससे मैं स्किन रिमूवर रिमूविंग डर्ट के रूप में भी इस्तेमाल करती हूँ। और इससे जो स्वेट होता है और जितने भी आपके स्किन में इम्प्योरिटीज है उसे आप के फेस से दूर करता है, और अगर आपके फेस में टैनिंग हो रखी है या फिर कोई भी पिगमेंटेशन है उसे भी मुल्तानी मिट्टी ठीक करता है। अगर सनबर्न है या फिर आपके स्किन में रैशेज हो रखी है तो उसे भी ठीक करता है, और आपके स्किन अगर ऑयली है तो मुल्तानी मिट्टी आपके स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। और मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया हुआ है जो कि आपके स्किन के पीएच को मेंटेन करके रखता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, रेडनेस को भी रिड्यूस करता है, इरिटेशन को दूर करता है, और एक ये बहुत ही अच्छा सा ग्रेट सा क्लिंजर भी है। और इससे आप अपने फेस को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा और इसे 5 मिनट छोड़ करके जब तक ये पूरी तरह से सूख ना जाए इसे आप फेस को वॉश कर लोगे। अमेजिंग फेस स्क्रब